G20 चंद्रयान की सफलता, मिशन आदित्य और महिलाओं का 33% नीति निर्धारण में रिजर्वेशन, ये चारों घटनाओं ने समग्र देश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है। मित्रों, आज जब हम यहां पर मिल रहे हैं आपके एनुअल सेशन के अंदर, ये हमारे अमृतकाल की शुरुआत है, अमृतकाल की भोर है। आजादी से अब तक देश ने 75 साल की यात्रा करी है। हर क्षेत्र में ये 75 साल में हमने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। क्रिटिक एनालिसिस करे तो भी हर क्षेत्र में हमने दुनिया में अपना लोहा मनाया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस 75 साल में हमारे यहां डेमोक्रेसी के रूट्स पाताल से भी गहरे करने में हमें एज अ कंट्री ये नाते सफलता। कई परिवर्तन हुए, कई बार सत्ता परिवर्तन हुए, रक्त की एक बूंद बहाए बगैर बड़ी सिफत के साथ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ हमने परिवर्तन किए। कई सरकारें बदली, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, मगर हमने ये भी देखा है कि हमने दुनिया को दिखाया है कि नीति के मामलों में गवर्नमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसको भारत ने कर दिखाया है और हम आगे बढ़े हैं। एक पार्टी की सरकार गई, दूसरी पार्टी की सरकार आई, नीतियां जरूर बदलती है पर नीतियों में कंटिन्यूटी रही, और इसी के कारण ये 75 साल की यात्रा, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे अर्थतंत्र का, चाहे अंतरिक्ष का मामला हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, चाहे एजुकेशन को नीचे तक पहुंचाने का मामला हो, साक्षरता को नीचे तक पहुंच, हर क्षेत्र में 75 साल में हमने काफी कुछ हासिल किया है। परंतु देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 75 साल का हम महोत्सव मना रहे थे, तब अमृत महोत्सव के वक्त उन्होंने कहा था कि 75 साल का गौरव गान तो करना ही है, मगर 2047 15 अगस्त को जब आजादी के 100 साल हो गए, तब देश कहां खड़ा होगा इसका लक्ष्य भी तय करना है और वो लक्ष्य को सिद्ध कर रहना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 75 साल से 100 साल की इस यात्रा को अमृत काल का नाम दिया है। इस 75 साल से 100 साल की हमारी यात्रा, हमारा अमृतकाल देश का, इस संकल्प लेने का भी समय है और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का भी समय है। हम ऐसा देश चाहते हैं जिसका स्वप्न हमें देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया है कि जब देश आजादी की शताब्दी मनाता हो, तब कोई क्षेत्र ऐसा न हो जहां दुनिया में भारत प्रथम न हो। इस प्रकार के भारत की रचना करना हमारा संकल्प।